हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल मैस विद आर्ना। क्लास 10 नंबर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का आज फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। ही वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो जब भी हमें ये कहेगा कि हमें इसे इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये सेम नंबर ऑफ स्टैक्स में आए, यानी कि एक स्टैक, जब हम एक के ऊपर एक बर्फी लगाएं तो एक स्टैक में इक्वल बर्फी आए, काजू की भी और बादाम की भी, तो उसके लिए हम HCF निकालेंगे। उसके बाद ये कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज, ईच स्टैक का निकालना है वो हमारा HCF होगा, और कितनी स्टैक्स फॉर्म्ड होंगी वो देखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन वन स्टैक सो दे टेक अप द लिस्ट एरिया वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 150। ठीक है, अब इसको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हो और सिंपल भी। तो जैसे 420 है, 420 के फैक्टर हम कर लेते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हो। देखो 420 बड़ा है 150 से, तो हम 420 को डिवाइड करेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो और फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। 2 ज़ा 300 0 2 1 120, यानी कि आपका क्या है 150 इंटू 2 प्लस 120। अब हम क्या करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 120 से, ये भी बन जाएगा 120, कितना बचेगा 30। तो हमने 150 को डिवाइड करा 120 इंटू 1 प्लस 30। अब हम 30 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितना आएगा 4 ज़ा 120, यानी कि मेरा 4 ज़ा जा रहा है, यानी कि 120 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 0। किससे डिवाइड करने पर 0 हुआ, 30 से, तो देयरफॉर रिमाइंडर बिकम्स 0 व्हेन वी डिवाइडेड बाय 30 सिंस। तो देयरफॉर हमारा जो HCF होगा वो कितना आएगा, HCF ऑफ 420 एंड 150 कितना आया 30। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट पुट इन अ स्टैक इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, आप कितनी रख सकते हो 30। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर्म्ड। तो आप निकालोगे, देखो 420 को भी इससे डिवाइड कर दो 30 से, प्लस 150 को भी 30 से डिवाइड कर दो, तो इसके स्टैक्स बनेंगे आपके 14 और इसके स्टैक्स बनेंगे आपके 5। तो टोटल कितने स्टैक्स बनेंगे 9। इजी क्वेश्चन था, होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।